भैरव बाबा धाम के पोखरे में डूबने से युवक की हुई मौत। मौके पर पुलिस पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद से निकाला शव। प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महाराजगंज थाना क्षेत्र के स्थित प्रसिद्ध भैरव धाम मंदिर के पोखरे में एक युवक की नहाते हुए डूबने से मौत हो गई। बताते हुए कि भैरव धाम में आज पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला लगा हुआ है, जिसमें दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और धाम के पोखरे में स्नान कर दर्शन आदि कर्म करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम आकापुर थाना कंदरापुर निवासी उदय भान यादव पत्नी किरण यादव अपने दो मासूम बच्चे के साथ भैरव धाम में दर्शन के लिए आया था, जहां दर्शन से पहले ही पोखरे में स्नान करने के लिए गया और गहराई का अंदाज़ा ना होने से गहराई पानी में चला गया, जिससे वह डूब गया। उसकी पत्नी किरण को जब वह पानी में कहीं नजर नहीं आया तो वह शोर मचाने लगी। भैरव बाबा प्रबंधक समिति के कार्यालय को घटना की जानकारी देते हुए मदद की गुहार लगाई। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राकेश यादव ने तत्काल पुलिस को सूचना देते हुए आनंद फानंद में स्थानीय तैराकों को पोखरे में उतारा और पुलिस बल के साथ पहुंचे सात प्रभारी कंकान वर्मा ने पोखरे के चारों ओर पुलिस बल तैनात कर तलाशी तेज करते हुए कुछ और स्थानीय तैराकों को पोखरे में उतारा। लगभग दो घंटे के अथक तलाशी के बाद युवक को गहरे पानी से निकाला गया। थाना प्रभारी ने सूचना पर पहुंचे युवक के परिजन व पुलिस कर्मी के साथ उसे तत्काल पास के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज भेजा गया। उसे मृतक घोषित कर दिया गया, जहां मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं दो मासूम बच्चे जिनकी उम्र लगभग 3 वर्ष व 5 वर्ष है, जीवन मरण के लिए नियम से अनजान अपने मां से लिपट रहे को कब्जे में लेकर मिलकर भेज दिया।